पूरे झारखंड में किस तरीके से बालू के अवैध खनन का खेल जारी है, ये ना तो आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। लगातार कई सारी तस्वीरें सामने आती है जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि झारखंड के विभिन्न जिलों से लगातार बालू के अवैध खनन का खेल बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में तस्वीर निकल कर सामने आई है सिमडेगा से, जहाँ अब पुल के नीचे से बालू के अवैध खनन का खेल जारी हो गया है। क्या कुछ है पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। दरअसल सिमडेगा में भी धड़ल्ले से बालू के अवैध खनन का खेल जारी है और रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक बालू तस्कर बालू के अवैध रूप से खनन कर रहे हैं, उसकी तस्करी कर रहे हैं। बालू से अधिक पैसा कमाने के चक्कर में ये बालू तस्कर नदियों के पुल के अगल बगल से धड़ल्ले से बालू का खनन कर रहे हैं। ये बालू तस्कर किस तरीके से सीना तान कर बालू की तस्करी कर रहे हैं, ये जरा आप तस्वीरों में देखिए। पुल के अगल बगल से बालू उठाव कर रहे हैं जिससे यहाँ के पुल को भी अब खतरा होने लगा है। वहीं इस पूरे मामले में सिमडेगा के डीसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। ये वन ऑफ केस है, इसकी जानकारी हम लोगों को मिल गई है। हम लोग इसको इंश्योर करेंगे कि किसी प्रकार से वहाँ पर उसके आसपास में उठाव नहीं हो और अवैध बालू का ही उठाव जिले में नहीं हो, इसको हम लोग इंश्योर करेंगे।